नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Asus ROG Phone 3 वर्सेस Xiaomi Mi 10T Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो ROG Phone 3 में 6.73 इंच जबकि Mi 10T Pro में 6.5 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि ROG Phone 3 से कम है। विड्थ की बात करें तो ROG Phone 3 में 3.07 इंच जबकि Mi 10T Pro में 3.01 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि ROG Phone 3 से कम है। बात करें थिकनेस की तो ROG Phone 3 में 0.39 इंच जबकि Mi 10T Pro में 0.37 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो ROG Phone 3 में 240 ग्राम जबकि Mi 10T Pro में 218 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो ROG Phone 3 में AMOLED जबकि Mi 10T Pro में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही ROG Phone 3 में 19:5:9 जबकि Mi 10T Pro में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो ROG Phone 3 में 6.59 इंचेस जबकि Mi 10T Pro में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन ROG Phone 3 में 1080x2340 और Mi 10T Pro में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ROG Phone 3 में 79.75% जबकि Mi 10T Pro में 85.15% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो ROG Phone 3 में 391 पिक्सल प्रति इंच जबकि Mi 10T Pro में 395 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो ROG Phone 3 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Mi 10T Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो ROG Phone 3 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 8 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Mi 10T Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 10 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही Adreno 650 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो ROG Phone 3 में Qualcomm Snapdragon 865 Plus और Mi 10T Pro में Qualcomm Snapdragon 865 मिलता है। बात करें RAM की तो ROG Phone 3 में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है, जबकि Mi 10T Pro में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो ROG Phone 3 में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Mi 10T Pro में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V10 क्यूट देखने को मिलती है। बैटरी ROG Phone 3 में 6000 mAh जबकि Mi 10T Pro में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो ROG Phone 3 में एक कलर्स जबकि Mi 10T Pro में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो ROG Phone 3 में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जिसमें कि 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 46,999 रुपीस, 12 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 43,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें Mi 10T Pro की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 34,930 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Asus ROG Phone 3 में 4 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Mi 10T Pro की तो उसमें 6 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में ROG Phone 3 आगे है, मेन कैमरा में Mi 10T Pro आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में ROG Phone 3 आगे है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें एप्पल आईफोन 12 प्रो मैक्स है जो कि 1,24,700 रुपए में मिलता है। दूसरा आसूस ROG फोन 3 है जो कि 46,999 रुपए में मिलता है। तीसरा वन प्लस 8T है जो कि 41,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Asus ROG फोन 5 है जो कि 49,999 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।